एंड मैनेजमेंट डोमेन, वो कौन सी वीलैंस है जो अलाउड तो थी लेकिन अलाउड या अलाउ होने के साथ साथ वो एक्टिव भी हैं। अब कोई वीलैन एक्टिव कब होगी? वीलैन एक्टिव होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो वीलैन एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब आपने वीलैन क्रिएट की है तभी एक्टिव होगी। और सेकंड, अगर वो एग्जिस्ट करती है मतलब आपने बना रखी है तो उसको आपने शटडाउन कमांड से बंद नहीं किया। अगर आप किसी चाहो, जैसे हम कहते हैं ना वीलैन हमने बनाई वीलैन 4, वीलैन हटानी हो तो हम क्या लिख देते हैं? नो वीलैन 4। लेकिन अगर आप चाहो कि किसी वीलैन को यूज़ नहीं करना है तो बजाय आप उसको डिलीट करने के लिए आप उसको डीएक्टिवेट या डिसेबल कर सकते हो। तो डिसेबल करने के लिए हम शटडाउन कमांड यूज़ कर लेते हैं किसी वीलैन को शटडाउन करने के लिए। जैसे इंटरफेस हम डिसेबल कर लेते हैं वैसे ही वीलैन भी डिसेबल हो जाएगा। तो एक्टिव होने का मतलब है कि वीलैन एग्जिस्ट करनी चाहिए और सेकंड आपने उसको शटडाउन कमांड से डिसेबल नहीं किया। तो यहाँ पे दिखा रहा आपको कौन कौन सी वीलैन जो एक्टिव हो, वीलैन 1, 2, 3, 4, 5 जो आपने क्रिएट किए। वीलैन 1 पहले से थी और बाकी ये वीलैन इसमें उनको इंक्लूड नहीं कर रहा है 1001 से 1005 तक जो है, राइट। फाइनली फिर आपको ये दिखा रहा है तीसरी लिस्ट यहाँ पे, वीलैंस इन स्पैनिंग ट्री फॉरवर्डिंग स्टेट एंड नॉट कोन। पहली लिस्ट बता रही किस किस वीलैन का ट्रैफिक अलाउड है, सेकंड लिस्ट बता रही कि एक्चुअली में कौन से वीलैंस है जिनका ट्रैफिक जाएगा, जो एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं का ट्रैफिक तो जाएगा, और तीसरी चीज़ किसी वीलैन का ट्रैफिक ट्रंक इंटरफेस से किस केस में नहीं जाएगा। एक तो इस केस में नहीं जाएगा कि अगर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने उस इंटरफेस पे इस पर्टिकुलर वीलैन का ट्रैफिक अगर रोक रखा हो, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रोक सकता है। या फिर अगर आपने VTP प्रूनिंग इनेबल की है तो स्विच ने ऑटोमेटिकली डिसाइड किया है कि इस इंटरफेस से इस वीलैन का ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए। तो कह रहा है कि अब फाइनली ऐसी कौन सी वीलैंस हैं जिनको ना तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने रोका है और ना ही VTP प्रूनिंग की वजह से उनका ट्रैफिक जो है वो रुक रहा है। तो ये सारी हैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक्चुअली में ये वीलैंस है जिनका ट्रैफिक आपके ट्रंक इंटरफेस से जाएगा। जैसे आप कई बार ट्रबल शूटिंग में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो कि भाई 2 PCs थे है ना और उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा सेम वीलैन में या डिफरेंट वीलैन में, अगर आप राउटर यूज़ कर रहे हो तो अब ये देख सकते हो कि जो ट्रंक इंटरफेस है उस ट्रंक इंटरफेस पे उस वीलैन का ट्रैफिक अलाउड भी है कि नहीं, अगर अलाउड है तो वो वीलैन एक्टिव है कि नहीं, है ना। और अगर एक्टिव है तो ऐसा तो नहीं कि स्पैनिंग ट्री या प्रूनिंग की वजह से ट्रैफिक रुक रहा हो, तो ये आपको इस लिस्ट में दिख जाएगा, राइट। जैसे पहले हम चेक कर लेते हैं वीलैन, अगर हम से कोई वो कर देते हैं शट डाउन कर लेते हैं है ना, तो वीलैन 1, 2, 3, 4, 5 बता रहा है कि अलाउड भी और एक्टिव भी हैं। तो हमने यहाँ पे किया वीलैन से 4, शायद ऐसे ले जाएंगे पे चलता नहीं है शायद पैकेट रेजर सपोर्ट नहीं करता मे भी, ये तो भी चेक कर लेते हैं, राइट। चलो फिर मुझसे देख लेते हैं, पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ये जैसे यहाँ पर ये पहले हमारा डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन था, मतलब ये जो स्विच था इस पर जो वीलैंस अलाउड थी 1 से लेके 4094 तक थी, वीलैंस अलाउड एंड एक्टिव वीलैन 1 से लेके 3 तक ये अलाउड भी थी और एक्टिव भी थी, क्योंकि ये तीन वीलैन एग्जिस्ट करती थी 1, 2, 3 और स्पैनिंग ट्री और VTP प्रूनिंग किसी से भी रुक नहीं रही था, ट्रैफिक रुक नहीं रहा था इनका 1 से लेके 3 तक का। अब इसके बाद हमने क्या किया कि एक नई वीलैन जो है ऐड की, एक हम नई वीलैन जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, अलाउड तो ये जितनी थी पहले अभी उतनी रहेंगी, एक्टिव में एक बढ़ जाएगी 1, 2, 3, 4 हो जाएंगी ये 1 से लेके 4 तक, राइट। वीलैन 2 पे गए और इसको शटडाउन हमने कर दिया, शटडाउन करेंगे तो क्या होगा, एक्टिव में से 2 रिमूव हो जाएगी है ना, तो अब एक्टिव कौन से रह जाएंगी 1, 3 एंड 4। और उसके बाद हम यहाँ पे गए इंटरफेस पे और इस पे हमने स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन
उसमें से विलेन थ्री को रिमूव कर दिया, मतलब जो अलाउड विलेन थी उनमें से विलेन थ्री अलाउड अब नहीं है, तो क्या होगा, अलाउड की लिस्ट में से विलेन थ्री हट जाएगी, विलेन वन टू और फोर से लेके 4094 ये अलाउड होंगी, एक्टिव में विलेन्स अलाउड एंड एक्टिव, तो इसमें ये थ्री तो पहले ही हट गई, टू आपने शट डाउन कर दी तो बची क्या वन और फोर है ना, और यही आपको नीचे भी मिलेंगे, अब चेक करिए इसमें देखो, सबसे पहले विलेन्स अलाउड ऑन ट्रंक, इसमें से विलेन थ्री आपने रिमूव करा दी तो वन से टू एंड फोर से 4094, सेकेंड विलेन्स अलाउड और एंड एक्टिव, तो अलाउड की ये लिस्ट थी, इसमें से आप विलेन टू भी माइनस कर दो क्योंकि ये शट डाउन है, और फोर से ले फोर आपको मिल जाएगी, फाइव से लेके 4094 ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो एक्टिव है वो है वन और फोर, थ्री अलाउड नहीं थी, टू आपने शट डाउन कर दी, तो वन और फोर, और ये लिस्ट आपको नीचे मिल गई है, राइट। ओके, तो हम किसी ट्रंक इंटरफेस पे विलेन्स कैसे अलाउ या किसी विलेन का ट्रैफिक कैसे अलाउ या डिनाई करेंगे, तो ये जो स्विच है इस पे हमारे पास विलेन 1 2 3 4 5 से हम विलेन 4 का ट्रैफिक या 5 का ट्रैफिक जो रोकना चाह रहे हैं, राइट। तो हम स्विच पे आए और यहाँ पे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इंटरफेस FA0/5 जो कि हमारा ट्रंक इंटरफेस था, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड विलेन, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऐड ऑल एक्सेप्ट नन या रिमूव, नन कर देंगे तो किसी भी विलेन का ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा, सारी विलेन्स का ट्रैफिक रुक जाएगा, ऑल अगर करेंगे तो सारी विलेन्स का ट्रैफिक अलाउड होगा, है ना, जैसे अगर हमने यहाँ पे कर दिया नन, राइट, यहाँ से चलो डू शो इंटरफेसेस ट्रंक विलेन्स अलाउड ऑन ट्रंक, कोई है कोई नहीं, है ना, कोई विलेन अलाउड नहीं, हम चाहते हैं कि सारी विलेन्स का ट्रैफिक फिर से अलाउ कर दें, तो स्विच फॉर ट्रंक अलाउड विलेन ऑन, फिर से चेक करो आप, सारी विलेन्स आ गई वापस हमारे पास, किसी पर्टिकुलर विलेन का ट्रैफिक अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं, अलाउड विलेन और रिमूव, और जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है 1 से लेके 1005 इसमें से किसी को रिमूव करना है, तो हमने कर दिया जैसे 5 को रिमूव, शो इंटरफेसेस का या फिर देखो अलाउड में से 5 वैब होगी 1 to 4 एंड 6 to 1005 अलाउड है ना, किसी विलेन को अगर आपने रिमूव किया और उसको वापस लाना चाह रहे हो आप, तो आप ऐड करा दो ऐड 5, जिसको आपने रिमूव किया तो वापस आ जाएगी, दो शो इंटरफेस सिस्टम वापस आएगी फिर से 5, राइट। इसमें एक कीवर्ड और है, दैट इज एक्सेप्ट, इसका क्या है, इसको समझने के लिए से हमने रिमूव किया विलेन 5 को, राइट। एक्सेप्ट का मतलब है कि आप जिसको स्पेसिफाई कर रहे हो उनको छोड़ के बाकी सब अलाउड है, जैसे जो हमने किया रिमूव 5, तो इससे क्या हुआ, इसे निकल गई 5 को, मतलब हम चाह रहे हैं कि ये हट जाए बाकी सबका अलाउड है, राइट। ओके, और अब आप यहाँ पे चेक करो स्विच फॉर ट्रंक अलाउड विलेन, सॉरी डू शो इंटरफेस ट्रंक, 5 रिमूव हो गई, बाकी सबका ट्रैफिक अलाउड है। अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो इससे क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा, बल्कि 5 नहीं, यहाँ पे से हमने लिखा 4, इससे क्या होगा, सबको अलाउ करो, 4 को छोड़ के सबसे अलाउ करो, 4 को छोड़ के बाकी सब अलाउ करो, तो अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह पे रिमूव लिख दें तो क्या वैसे ही नहीं होगा, तो रिमूव को मतलब उसको निकाल भी दें, निकाल रखता ये हो सकता है कि डेटा में रहेगा, अगर हम यहाँ पे लिखें रिमूव तो क्या होगा, जो ऑलरेडी हटी हुई है वो तो हटी हुई है, विलेन 5 आपने पहले रिमूव कर दी तो रिमूव्ड है, विलेन 4 भी रिमूव हो जाएगी, मतलब इस कमांड के बाद विलेन 5 पहले रिमूव हो गई थी, विलेन 4 भी रिमूव हो जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखें एक्सेप्ट
तो ये क्या कह रहा है, विलेन फोर को छोड़ के बाकी सब अलाउड होंगे, मतलब अगर आपने पहले किसी विलेन को रिमूव किया है तो वो वापस आ जाएगी, नहीं सिर्फ विलेन फोर, सिर्फ और सिर्फ विलेन फोर ये रिमूव हो जाएगी और बाकी जितनी सब अलाउड है, तो जिनको आपने पहले रिमूव कर रखा था वो वापस आ जाएंगे। देखो अब हमने विलेन फाइव पहले हटा दी थी, अब हम एक्सेप्ट फोर यहाँ पे लिखते हैं और शो इंटरफेस रंग चलाते हैं, तो अब यहाँ पे देखो फाइव वापस आ गया, फोर को छोड़ के बाकी सब अलाउड है। लेकिन अगर हम रिमूव फोर लिखते तो क्या होता, फाइव पहले रिमूव थी, फोर भी रिमूव हो जाती है ना, तो ये फ़र्क है रिमूव और एक्सेप्ट। ओके फाइनली फिर अब अगर हमारे पास है मल्टीपल वीलैंड्स हैं और हम डिफरेंट वीलैंड्स के बीच में चाहते हैं कि कम्युनिकेशन हो, तो ये कैसे करेंगे? डिफरेंट वीलैंड तो राउटर लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट वीलैंड्स में कम्युनिकेशन के लिए या इंटर वीलैंड राउटिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमने ले लिया राउटर। अभी जो राउटर है आपको तीनों स्विचेस से अलग अलग कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको जो राउटर है ये किसी भी एक स्विच से आप कनेक्ट कर लो, किसी भी एक से है ना, ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको अपने सेंट्रल स्विच से कनेक्ट करो। तो हमने ये राउटर जो है कनेक्ट किया स्विच टू राउटर स्ट्रेट केबल, तो राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0, उसको आप इससे या इससे किसी भी स्विच से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने इसको इसी से बीच वाले से कनेक्ट कर लेते हैं, इसके एफ है 0/7 से, राइट। ओके अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे? इसमें पहली चीज़ तो ये है कि भाई ऐसे इंटरफेसेस जिनसे मल्टीपल वीलैंस का ट्रैफिक जाता है, जैसे ये जो इंटरफेस है दोनों स्विचेस के बीच का, इस पर क्या मल्टीपल वीलैंस का ट्रैफिक जाना है, तो ये एस ट्रंक काम करना चाहिए। वैसे ही जब ये राउटर और स्विच के बीच का लिंक है और हम कह रहे हैं कि ये राउटर डिफरेंट वीलैंस के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा, तो क्या होगा, इस राउटर पे भी तो मल्टीपल वीलैंस का ट्रैफिक जाएगा, वीलैन वन का भी जाएगा, टू का भी जाएगा, थ्री का भी जाएगा, सभी का। तो मतलब ये जो लिंक है ये भी एस ट्रंक काम करना चाहिए, राइट। तो जो पहला कॉन्फ़िगरेशन काम है वो ये कि इन दोनों के बीच का लिंक ये एस ट्रंक काम करे। तो हम स्विच का ये जो इंटरफेस है FA0/7 इसका मोड हम सेट कर देंगे ट्रंक, पहला काम। दूसरा हम कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी वीलैन हैं, हर वीलैन जो एक अलग नेटवर्क पे, जैसे हमने विलन 2 और 3 जो हम यूज़ कर रहे थे फिलहाल, विलन 2 जो है ये 2.0 के नेटवर्क पे, विलन 3 जो है ये 3.0 के नेटवर्क पे, राइट। तो राउटर पे हर एक विलन के लिए एक आईपी एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि राउटर जो है विलन 2 से भी ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा, 3 से भी करेगा, जितने विलन होंगे सबसे ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा। तो राउटर पे हर विलन के लिए उसी सीरीज़ का या उसी नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस जो है वो होना चाहिए, राइट। लेकिन यह सवाल ये है कि राउटर पे इंटरफेस तो एक ही है, तो इसमें मल्टीपल एड्रेस कैसे देंगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब इंटरफेसेस यूज़ कर लेंगे, राइट। तो राउटर पे आते हैं, पहले स्विच पे हम आते हैं, स्विच पे ये जो इंटरफेस है इसका मोड हम सेट कर लें ट्रंक इनेबल कनेक्टिविटी इंटरफेस FA0/7 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राउटर पे है, पोर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, पोर्ट जो ऐड करें, एक ही इंटरफेस चाहिए ना मैं राउटर का, फास्ट इथरनेट वन ले लिया, कनेक्टिविटी इंटरफेस FA0/0, इस पर आईपी एड्रेस नहीं देंगे आप, इस पर एक तो इनकैप्सुलेशन सेट कर लो, बल्कि यहाँ जो करेंगे सब इंटरफेस पे कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको पहले इनेबल कर लिया नो शर्ट, ठीक। अब हम इस पर वीलैन वन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, वीलैन टू, वीलैन थ्री है ना, तो हम तीन सब इंटरफेस बनाते हैं तीन वीलैंस के लिए। तुमने पहले लिखा इंटरफेस FA0/0 डॉट वीलैन वन के लिए इंटरफेस वन है ना, सब इंटरफेस मोड पे हम आ गए। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन मतलब ट्रंकिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। हमारा जो स्विच है वो ISL सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ .1Q सपोर्ट करता है, तो हमने यहाँ पे लिखा .1Q। और उसके बाद ये जो सब इंटरफेस है ये किस वीलैन से आप कनेक्ट कर रहे हो, वीलैन वन से,
देन आई पी एड्रेस, ये सब इंटरफेस होंगे भी आई पी एड्रेस 192.168.1.1। मान लेते हैं कि वी लैन वन में हम 1.0 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, 255.255.0 ये पहला इंटरफेस हो गया। इसी तरीके से इंटरफेस एक हमने और बनाया, इंटरफेस FA0/0 वी लैन 2 के लिए .2। इनकैप्सुलेशन इस पर भी हमने .1 क्यों दिया, लेकिन वी लैन का नंबर 2। एंड देन आई पी एड्रेस इसको हमने दे दिया 2.1। देन थर्ड सब इंटरफेस FA0/0.3, इस पर इनकैप्सुलेशन अगेन .1 क्यू राइट और 3। एंड आई पी एड्रेस 3.1। इसमें एक गलती हुई है, जो हमारा इंटरफेस था FA0/0.1 जो हमने वी लाइन 1 के लिए बनाया था, इस पर जब हम इनकैप्सुलेशन सेट करेंगे तो इसमें देखो वी लाइन 1 जो ये स्पेशल है, वी लाइन 1 में क्या स्पेशल है कि एक नेटिव वी लाइन है, और अगर ये नेटिव वी लाइन है तो इस पर ट्रंकिंग नहीं होगी राइट। तो स्विच को तो पता है कि उसकी कौन सी वी लाइन नेटिव है, लेकिन राउटर को नहीं पता होता। बाय डिफ़ॉल्ट वी लाइन 1 नेटिव है, लेकिन आप चाहो तो बदल सकते हो राइट। तो राउटर को हम बताना पड़ता है कि ये जो वी लाइन है ये नेटिव है। तो जब हम इनकैप्सुलेशन सेट करेंगे तो हम लिखेंगे इनकैप्सुलेशन .1 क्यू वी लाइन का नंबर, और अगर ये वी लाइन नेटिव है तो आगे नेटिव, ये एक एडिशनल आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा है ना, नेटिव वी लाइन। तो राउटर में हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। हमने इस राउटर पे 3 सब इंटरफेस बनाए 3 वी लाइन के लिए, एक वी लाइन 1 के लिए हमने 1.1 दी इस आई पी, 2 के लिए 2.1 और 3 के लिए 3.1। अब हमारे जो पी सी एज हैं जो वी लाइन 1 में, हालांकि अभी कोई पी सी हमने वी लाइन 1 में रखा नहीं है, लेकिन अभी कर लेते हैं। वी लाइन 2 के जो पी सी उनका गेट पे 2.1 हो जाएगा, वी लाइन 1 के पी सी का गेट पे 1.1 हो जाएगा, वी लाइन 3 के पी सी का गेट पे 3.1 हो जाएगा। इसमें गेट पे कौन रहेगा? राउटर है गेट पे। आई पी एड्रेस किस पे दिया आपने? राउटर। राउटर करा रहा है ना इंटर वी लाइन राउटिंग, एक वी लाइन से जो ट्रैफिक वो राउटर पे आएगा, फिर वो दूसरी वी लाइन में जाएगा राइट। ये सर स्विच पे आई पी एड्रेस नहीं देते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए। मतलब स्विच के हर इंटरफेस पे अलग आईपी नहीं होती, पूरे स्विच के लिए एक सिंगल आईपी होता है। पूरे स्विच के लिए एक सिंगल आईपी पी गेटवे गेटवे भी होता है। नहीं स्विच क्यों गेटवे होगा, स्विच लेयर 2 पे काम कर रहा है। नहीं उसको मैनेज करने के लिए, रिमोटली मैनेज करने के लिए। हाँ रिमोटली मैनेज करने के लिए स्विच पे भी गेटवे एड्रेस देंगे तभी कर पाएंगे राइट। तो हमारा फर्स्ट पी सी, पहले तो हम देख लें स्विच पे इंटरफेसेस कौन सा किस वी लाइन में है। इस स्विच पे 1 और 2 विलन 2 में है, 3 और 4 विलन 3 में राइट। तो 1 और 2 से कनेक्ट हो रहे हैं ये दोनों पी सी। तो पी सी इस पर डिफॉल्ट गेट हमने सेट नहीं किया था, ये विलन 2 का पी सी, इसका गेट हो जाएगा 192.168.2.1। ये भी विलन 2 में है, गेट पे 192.168.2.1। जे पी सी विलन 3 में है, गेट पे 192.168.3.1। स्विच पे भी चेक कर लेते हैं, तो भी वैसे ही है विलन इंटरफेस 1 और 2 विलन 2 में, 3 और 4 विलन 3 में। तो 1 और 2 हमारे कौन से हैं, ये हैं 1 एंड 2। इस चीज़ FA01 FA02 ये विलन 2 में है, 192.168.2.1। ऐसे ही आप कर सकते हो। तो एक हमने इसको दे दिया और एक सेकंड स्विच पे ये विलन 3 में है, इसको दे देते हैं इसका आई पी 3.5। तो 192.168.3.1 हो गया। अब आप चेक करके देखो, हम फर्स्ट पी सी पे गए और यहाँ से हमने कराया इसकी खुद की आई पी कितनी है 2.2.2। और यहाँ से हम एक पी सी जो कि दूसरे विलन में उसको पिंग करा के देखते हैं, पिंग 192.168.3.2। ये पीछे डिफरेंट वी लाइन में लेकिन सेम स्विच पे कनेक्टेड है।
रिप्लाई मिल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा पीसी 3.5 इसको हम फिंगर आते हैं, जो दूसरे स्विच से कनेक्ट, दूसरे स्विच से कनेक्टेड है ये पीसी और डिफरेंट वी लाइन में, तो इससे भी अब रिप्लाई जो है वो हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इंटर वी लाइन राउटिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी क्या, अभी जो राउटर में हमने प्रोटोकॉल यूज़ किया वो था .1Q। अगर ISL है तो भी कोई हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। ISL में आप ये देख लो कि ISL में नेटिव विलेन होती नहीं, तो आप कोई भी विलेन ले लो, ये नेटिव कीवर्ड कभी नहीं आएगा। ISL में बस इतना डिफरेंट होगा कि जहाँ पे आपने ये .1Q लिखा वहाँ पे ISL हम लिखते हैं, है ना। अगर स्विच और राउटर के बीच में हम ट्रंकिंग के लिए ISL यूज़ कर रहे हैं तो, है ना। बाकी